एडम साले के घर पे रॉबरी हो गई, और बड़े बड़े मुस्लिम यूट्यूबर जो अमेरिका के हैं, वकास शाह, सलीम और दूसरे यूट्यूबर्स, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है गाइस। احنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى. ادم صالح کے گھر پہ روبری ہو گئی، اور بڑے بڑے مسلم یوٹیوبر جو امریکہ کے ہیں، وقاص شاہ، سلیم اور دوسرے یوٹیوبرز، ان کا کافی نقصان ہوا ہے گائز. السلام علیکم بھائی. गाइज, मशहूर यूट्यूबर आदम सालेह जो यमनी अमेरिकन यूट्यूबर हैं, काफ़ी क्या कहते हैं, मशहूर और मारूफ यूट्यूबर हैं, काफ़ी पाए के यूट्यूबर और ब्लॉगिंग भी करते हैं. गाइज, एक सैड न्यूज, उनके ब्लॉग से रात को पता लगी कि उनके घर पर रॉबरी हो गई. ना सिर्फ उनका नुकसान हुआ बल्कि वकास शाह जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक यूट्यूबर हैं, उनका असलीम जो उनके दोस्त हैं सलाह के, और दो उनके दो और दोस्त हैं मोहसिन जो उनके भतीजे हैं आदम सालेह के, उनका नुकसान हुआ. गाइस, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ है सुनकर. गाइस, ये क्या कहते हैं, बड़े यानी के मुस्लिम यूट्यूबर समझे जाते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े, यानी काफ़ी दुनिया में इनको ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरे यानी के लोग पूरे यानी काफ़ी इनकी बड़ी फैन बेस थे, ख़ास तौर पर आदम सालेह की. बड़ा दुख हुआ उनको सुन के. और खैर, न्यूज़ उनके मुताबिक $25,000 से ज़्यादा का उनका सामान देते हैं लूट के ले गए देते हैं रॉबर्स. ऐसे बड़े अफसोस की बात है, ऐसे बड़े बड़े यानी यूट्यूबर अमेरिका ऐसे मुल्क में यानी कि महफूज नहीं. वाइफ, काफ़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है, काफ़ी उनसे दुख हुआ. और ये कहते हैं उनसे यानी कि हम ऐसा उनके फैन आदम सालेह के एज अ फैन, काफ़ी मुझे दुख हुआ. एंड आदम सालेह, इफ़ यू आर वॉचिंग इस बॉय, आई एम विथ यू. मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके साथ ये हुआ, और उनसे फैन के साथ भी बड़ी हमदर्दी है, यानी कि उनको भी काफ़ी दुख हुआ होगा. उनसे फैंस का भी एक अटैचमेंट रहता है, क्या कहते हैं, जब आप किसी से क्या कहते हैं मोहब्बत करते हैं, या किसी से क्या कहते हैं आपका एक फ़ैन होता है, या आप किसी के फ़ैन होते हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली उनसे यानी कि मोहब्बत होती है, उनकी बातों में इंटरेस्ट होता है आपको, कि क्या हुआ उनके. वो वैसे भी वो डेली ब्लॉग अपना पोस्ट करते हैं अपने चैनल पर, डेली ब्लॉग हो गए. ना सिर्फ उनका और जो उनका नुकसान हुआ बल्कि वकास, मैंने पहले आपको बताया कि वकास शाह, असलीम और उनके भांजे मोहसिन, भतीजे मोहसिन, और क्या कहते हैं एक और नाम तो वजी पता नहीं उनका, क्या कहते हैं लैपटॉप, कैमरा और बाकी दूसरी कपड़े वगैरह तक क्या कहते हैं वो घर पर आकर रॉबरी करके ले गए. तो गाइस, इतना ही क्या कहते हैं बताना, तो आपको काफ़ी दुख की बात है. जो क्या कहते हैं उनके अहदेदारान हैं जो तहकीकत कर रहे हैं, उनसे यानी मुतालबा है कि जल्द से जल्द यानी कि इनको जो इनकी चीज़ें हैं वो रिकवर की जाएँ, ताकि इनका लॉस कम हो सके, यानी कि और इनके फैन वो जो सदमा या उनको जो सदमा है वो दूर हो सके. वैसे तो काफ़ी क्या कहते हैं सैड न्यूज़ आपको सुनाने के लिए क्या कहते हैं वीडियो बनाई, और आदम सालेह को बताने के लिए, क्योंकि मैं उनका खुद बड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद उनके ब्लॉग्स और उनके वीडियोस देखता हूँ, और उनके यानी कि सॉन्ग्स जो भी आते हैं काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग आते हैं. और वकास शाह भी काफ़ी यानी मशहूर यूट्यूबर, उनकी वीडियो भी होती बहुत यानी कि वायरल हुई थी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, लोगों ने उनके ऊपर रिएक्ट भी किया था. और सलीम भी उनके दोस्त भी काफ़ी यानी कि मशहूर हैं, और उनके भांजे मोहसिन वो भी काफ़ी अभी यानी कि नए उभरते हुए यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूबर थे. ये खबर बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इनकी फैन बेस बहुत बड़ी है, आदम सालेह की 50 लाख तकरीबन क्या कहते हैं क्या कहते हैं उनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर, देखेंगे 30 लाख फॉलोइंग है. बस यार काफ़ी यानी दुख की खबर थी, ये मैंने आपसे शेयर करूँ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, अल्लाह हाफिज़.